चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी के तुगलकाबाद में तोड़े गए मंदिर की, ये उस लड़ाई को लेकर आगे चल रहे हैं। आज 96 लोग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिसमें अधिकतम 55 हरियाणा के। एक बार भी मुख्यमंत्री की संवेदना उनके परिवारों के प्रति सामने नहीं, एक बार भी बीजेपी की सरकार ने ये नहीं बोला कि हम उनके लिए लीगल एड देने का काम करें। आज प्रधानमंत्री परसों बल्लभगढ़ में आए, उन्हें आकर बात करी कि संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर बनारस में बनाया जाए। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, जब आपने मंदिर दिल्ली में तोड़ा तो उसकी स्थापना दिल्ली में करने का निर्णय क्यों लिया? आज तो डीडीए केंद्र सरकार के आधार है, अगर सरकार निर्णय लेती तो साथ ही साथ उससे भी बड़ा ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर बनाया जा सकता है। मगर इन लोगों की सोच है कि धार्मिक भावनाओं से खेला जाता है, इस तरह भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ दिया गया, इस तरीके से निरंतर पूरे देश के अंदर धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम जो बीजेपी ने किया है, हम मिलकर उसके विरोध में भी लड़ाई लड़ी। और बात अशोक तंवर जी ने ठीक करी, कोई असेंबली इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, आज लड़ाई पूरे देश के अंदर है। और नेशन बिल्डिंग के लिए कहीं ना कहीं हम युवा साथियों को हम पूरे देश में मिलकर एक करेंगे, चाहे वो बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तेलंगाना आंध्र की बात हो, जहाँ जहाँ मेरे साथ के सहयोगी रहे पार्लियामेंट के अंदर, और जहाँ अशोक जी के पार्लियामेंट इंदौर में या तो इनका कांग्रेस के अंदर करे हुए काम के माध्यम से मिलकर पूरे देश में एक मोमेंटम को लेकर चलें। मैं आज जरूर आपको बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जलियांवाला बाग के बाद सबसे बड़ा मैसेकर अगर देश की हिस्ट्री में हुआ तो 13 प्रेमियों को 40 को सरकारी गोलियों से एक साथ पंचकूला में जो मारने का काम किया, वो अपने आप में साबित कर देता है कि सरकार की सोच क्या है। आज तक कोई उसमें इंक्वायरी नहीं, कोई भी पुलिस का अफसर बीजेपी के शासन में उस दौरान सस्पेंड नहीं हुआ, जिसके ऊपर गोलियां चलाने के एक्शन लेने के आरोप लगे। इसलिए हमने मिलकर निर्णय किया है कि प्रदेश के जहाँ हमसे अगले 4 दिनों में जाया जाएगा, हम मिलकर वहाँ दौरा भी करेंगे, जन भावनाओं को अपने साथ लाकर प्रदेश के अंदर कैसे एक परिवर्तन लाया जाए, नई सरकार बनाई जाए, उस पर काम करें। मैं कुछ बिंदु जरूर बोलूंगी, गुजरने के भी बारी बारी ये कहा जाता था 200-300 छोरों का टोल है, और एक एक साथी की मेहनत से ये सफर इतना मजबूती से आगे बढ़ा कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऑल्टरनेटिव जो लोग कांग्रेस को देखते थे, आज कांग्रेस की बजाय जननायक जनता पार्टी बीजेपी के लिए भी एक चैलेंज बनकर सामने आया। और उस सफर के अंदर बिल्कुल लड़ाई हमने अकेले लड़ी। आज बड़े भाई अशोक तंवर जी का जो साथ प्रदेश के अंदर हमें मिलेगा, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी करवट लेने का काम भी करेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा बदलाव चाहता है, मैं तो हमेशा कहता भी आया हूँ कि हरियाणा प्रदेश का 56% वोटर आज 45 साल की आयु से नीचे का है, और उस 56% की आवाज को उठाने वाला ना बीजेपी में कोई है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं अशोक जी ने प्योद तैयार करी थी, नर्सरी बनाई थी जो नेक्स्ट जनरेशन यूथ को आगे लेकर आ रही थी। मगर जो वाक्या पिछले एक महीने में हुआ उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने अपनी उस नर्सरी को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अशोक जी ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूं कि बहुत कम राजनीतिक लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल लाइफ में संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। और आज उस संघर्ष के रास्ते के अंदर जहाँ मैं कहूँगा बड़े भाई के तौर पर मेरे साथी बनकर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जाकर हम 4 दिनों के अंदर जा पाएंगे, मिलकर एक परिवर्तन की लड़ाई में लड़ेंगे, और प्रदेश को और खास तौर पर प्रदेश के युवा को एक नई आशा उम्मीद के साथ प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। मैं तो
इनके करीब वे संघर्ष और जो इन्हें काम पिछले 5.5 साल में प्रदेश के कोने कोने में किया, मैं इनको बधाई निरंतर जब भी हम पार्लियामेंट में मिले या पिछले दिनों मिले देता आया हूँ। जो संघर्ष की बदौलत था कि कांग्रेस खड़ी रही, और आज कुछ लोगों ने उस बागबान को उजाड़ दिया, मगर आज उस युवा को अब मिलकर ताकत दे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं शक्ति के साथ एक और एक 11 की ताकत बनाकर आगे ले जाने का काम करें। उठाए भी हैं और अशोक जी भी उन चीजों को आगे ले जाते रहे, चाहे वो संस्मरणी रविदास जी का मंदिर की लड़ाई या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के अंदर हम उनके साथ हैं। वहीं हमारा ये निर्णय भी है कि इस देश के अंदर बनारस नहीं, जो हमारी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है उसके अंदर सबसे विशालतम, जो हमने 23 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर ये निर्णय लिया था, संत स्वामी रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर हम वहाँ पर बनाने का काम करें। वहीं एक लड़ाई पर शोक भी लड़ते आए थे SC ST बैतलो की हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो नायक जनता पार्टी के अगर सरकार में, तो 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के SC ST बैठने को पूरी तौर पर कंप्लीट करने का काम है। वहीं SC ST प्लान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, हमें भी जो हमारे 25 करोड़ 5 साल में मिले उसके अंदर स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अनुमान के अनुसार SC ST के अंदर अपने 25 करोड़ का हिस्सा खर्च करना होता है। बहुत कम स्टेट्स हैं जो SC ST प्लान को पूरी तौर पर स्टेट के बजट के अंदर इम्प्लीमेंट करती है। ये हम निर्णय लेते हैं कि हम मिलकर प्रदेश के अंदर सत्ता आने पर SC ST प्लान को पूरी तौर पर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, आपने खुद देखा कि इनकी खुद की सरकार की विजिलेंस ने, DG डॉक्टर KP सिंह की रिपोर्ट आई कि SC ST स्कॉलरशिप का 4 जिलों का जो पैसा था उसके अंदर 24 करोड़ से ऊपर का घोटाला था, और अब तक एक आदमी को अरेस्ट की सरकार ने नहीं किया, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने का काम किया है, और अभी तो बचे हुए 18 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी, तुरंत प्रभाव से जहां उसको उठाने का काम करेंगे। वहीं हर साल SC ST स्कॉलरशिप के अंदर 20% की वृद्धि लाने का काम करेंगे। साथ में प्रदेश के अंदर SC कमीशन को पूरी तौर पर ताकत देकर इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे उन लोगों को ताकत मिले अपने अधिकारों को पूरी तौर पर आगे ले जाने। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोच रही, बड़े प्रोग्राम्स कराए गए, चाहे वो हैपनिंग हरियाणा, चाहे सबमिट, मगर किसी भी महापुरुष के नाम पर कोई सम्मेलन करकर किसी पुरस्कार की एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत नहीं है। ऑफिशियली कल हमारा घोषणा पत्र 12 बजे हम रिलीज करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दो कि हमारा निर्णय है, चाहे वो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, चाहे संत श्री शिरोमणि रविदास जी, भगवान वाल्मीकि, ऐसे महापुरुषों के नाम पर भी हम प्रदेश के अंदर सीट्स इस्टैब्लिश करेंगे, जिससे उन समाज के हर वर्ग के हर बच्चे का प्रॉपर तौर पर सालाना सम्मेलन कराकर हम सम्मान बढ़ाने का काम कर सकते। अशोक कंवर जी ने सारी बात रख दी, मैं तो इतना बोलूँगा कि जहाँ पिछले 11 महीनों से एक सफर लग जाकर भी, चाहे वो संत श्रोमणी रविदास जी के तुगलकाबाद में तोड़े गए मंदिर की, ये उस लड़ाई में लेकर आगे चल रहे हैं। आज 96 लोग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, जिसमें अधिकतम 55 हरियाणा के, एक बार भी मुख्यमंत्री की संवेदना उनके परिवारों के प्रति सामने नहीं, एक बार भी BJP की सरकार ने ये नहीं बोला कि हम उनके लिए लीगल एड देने का काम करें। आज प्रधानमंत्री परसों बल्लभगढ़ में आए, उन्हें आकर बात करी कि संत श्रोमणी रविदास जी का मंदिर बनारस में बनाया जाए। मैं तो BJP से पूछना चाहता हूँ, जब आपने मंदिर दिल्ली में तोड़ा तो उसकी स्थापना दिल्ली में करने का निर्णय क्यों लिया? आज तो DDA केंद्र सरकार के आधार है, अगर सरकार निर्णय लेती तो साथ ही साथ उससे भी बड़ा ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर बनाया जा सकता। मगर इन लोगों की सोच है कि धार्मिक भावनाओं से खेला जाए, जिस तरह भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ दिया गया, इस तरीके से निरंतर
पूरे देश के अंदर धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम जो बीजेपी ने किया है, हम मिलकर उसके विरोध में भी लड़ाई लड़ी। और बात अशोक तंवर जी ने ठीक करी, कोई असेंबली इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। आज लड़ाई पूरे देश के अंदर है और नेशन बिल्डिंग के लिए कहीं ना कहीं हम युवा साथियों को हम पूरे देश में मिलकर एक करेंगे, चाहे वो बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तेलंगाना आंध्र की बात हो, जहाँ जहाँ मेरे साथ के सहयोगी रहे पार्लियामेंट के अंदर और जहाँ अशोक जी के पार्लियामेंट जोर में या तो इनका कांग्रेस के अंदर करे हुए काम के माध्यम से मिलकर पूरे देश में एक मोमेंटम को लेकर चलेंगे। और आज जरूर आपको बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जलियांवाला बाग के बाद सबसे बड़ा मैसेकर अगर देश की हिस्ट्री में हुआ तो 13 प्रेमियों को 40 को सरकारी गोलियों से एक साथ पंचकूला में जो मारने का काम किया, वो अपने आप में साबित कर देता है कि सरकार की सोच क्या है। आज तक कोई उसमें इंक्वायरी नहीं, कोई भी पुलिस का अफसर बीजेपी के शासन में उस दौरान सस्पेंड नहीं हुआ जिसके ऊपर गोलियां चलाने के एक्शन लेने के आरोप लगे। इसलिए हमने मिलकर निर्णय किया है कि प्रदेश के जहाँ हमसे अगले 4 दिनों में जाया जाएगा, हम मिलकर वहाँ दौरा भी करेंगे, जन भावनाओं को अपने साथ लाकर प्रदेश के अंदर कैसे एक परिवर्तन लाया जाए, नई सरकार बनाई जाए, उस पर काम करें। मैं कुछ बिंदु जरूर बोलूंगी गुजरने के भी बारी बारी ये कहा जाता था 200-300 छोरों का टोल है और एक एक साथी की मेहनत से ये सफर इतना मजबूती से आगे बढ़ा कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऑल्टरनेटिव जो लोग कांग्रेस को देखते थे, आज कांग्रेस की बजाय जननायक जनता पार्टी बीजेपी के लिए भी एक चैलेंज बनकर सामने आया। और उस सफर के अंदर बिल्कुल लड़ाई हमने अकेले लड़ी। आज बड़े भाई अशोक तंवर जी का जो साथ प्रदेश के अंदर हमें मिलेगा, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी करवट लेने का काम भी करेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा बदलाव चाहता है, मैं तो हमेशा कहता भी आया हूँ कि हरियाणा प्रदेश का 56% वोटर आज 45 साल की आयु से नीचे का है और उस 56% की आवाज को उठाने वाला ना बीजेपी में कोई है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं अशोक जी ने प्योद तैयार करी थी, नर्सरी बनाई थी जो नेक्स्ट जनरेशन यूथ को आगे लेकर आ रही थी, मगर जो वाक्या पिछले एक महीने में हुआ उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने अपनी उस नर्सरी को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अशोक जी ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूं कि बहुत कम राजनीतिक लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल लाइफ में संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। और आज उस संघर्ष के रास्ते के अंदर जहाँ मैं कहूँगा बड़े भाई के तौर पर मेरे साथी बनकर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ अगले हम 4 दिनों के अंदर जा पाएंगे, मिलकर एक परिवर्तन की लड़ाई में लड़ेंगे और प्रदेश को और खास तौर पर प्रदेश के युवा को एक नई आशा उम्मीद के साथ प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करें। मैं तो इनके करी वे संघर्ष और जो इन्हें काम पिछले 5.5 साल में प्रदेश के कोने कोने में किया, मैं इनको बधाई निरंतर जब भी हम पार्लियामेंट में मिले या पिछले दिनों मिले देता आया हूँ। जो संघर्ष की बदौलत था कि कांग्रेस खड़ी रही और आज कुछ लोगों ने उस बागबान को उजाड़ दिया, मगर आज उस युवा को हम मिलकर ताकत दें प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं शक्ति के साथ एक और एक 11 की ताकत बनाकर आगे ले जाने का काम करें। उठाए भी हैं और अशोक जी भी उन चीज़ों को आगे ले जाते रहे, चाहे वो संस्मरणी रविदास जी का मंदिर की लड़ाई या सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के अंदर हम उनके साथ हैं। वहीं हमारा ये निर्णय भी है कि इस देश के अंदर बनारस नहीं जो हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है उसके अंदर सबसे विशालतम जो हमने 23 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर
ये निर्णय लिया था संत स्वामी रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर वहां पर बनाने का काम करें। वहीं एक लड़ाई पर शोक भी लड़ते आए थे SC ST बैतलो की हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नायक जनता पार्टी के अगर सरकार में था, तो एक साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के SC ST बैतलो को पूरी तौर पर कंप्लीट करने का काम है। वहीं SC ST प्लान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, हमें भी जो हमारे 25 करोड़ 5 साल में मिले उसके अंदर स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अनुमान के अनुसार SC ST के अंदर अपने 25 करोड़ का हिस्सा खर्च करना होता है। बहुत कम स्टेट्स हैं जो SC ST प्लान को पूरी तौर पर स्टेट के बजट के अंदर इम्प्लीमेंट करती है। ये हम निर्णय लेते हैं कि हम मिलकर प्रदेश के अंदर सत्ता आने पर SC ST प्लान को पूरी तौर पर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, आपने खुद देखा कि इनकी खुद की सरकार की विजिलेंस ने DG डॉक्टर KP सिंह की रिपोर्ट आई कि SC ST स्कॉलरशिप का 4 जिलों का जो पैसा था उसके अंदर 24 करोड़ से ऊपर का घोटाला था, और अब तक एक आदमी को अरेस्ट की सरकार ने नहीं किया, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने का काम किया है, और अभी तो बचे हुए 18 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी, तुरंत प्रभाव से जहां उसको उठाने का काम करेंगे। वहीं हर साल SC ST स्कॉलरशिप के अंदर 20% की वृद्धि लाने का काम करेंगे। साथ में प्रदेश के अंदर SC कमीशन को पूरी तौर पर ताकत देकर इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे उन लोगों को ताकत मिले अपने अधिकारों को पूरी तौर पर आगे ले जाने। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोच रही बड़े प्रोग्राम्स कराए गए, चाहे वो हैपनिंग हरियाणा चाहे सबमिट, मगर किसी भी महापुरुष के नाम पर कोई सम्मेलन करकर किसी पुरस्कार की एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत नहीं है। ऑफिशियली कल हमारा घोषणा पत्र 12 बजे हम रिलीज करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दो कि हमारा निर्णय है चाहे वो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, चाहे संत श्री शिरोमणि रविदास जी हो, भगवान वाल्मीकि, ऐसे महापुरुषों के नाम पर भी हम प्रदेश के अंदर सीट्स इस्टैब्लिश करेंगे, जिससे उन समाज के हर वर्ग के हर बच्चे का प्रॉपर तौर पर सालाना सम्मेलन कराकर हम सम्मान बढ़ाने का काम कर सकते। डॉक्टर कंवर जी ने सारी बात रख दी, मैं तो इतना बोलूँगा कि जहाँ पिछले 11 महीनों से एक सफर